पंजाबी खड़ा करा हुआ। इधर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। लवली को उम्मीद है कि इस बार पूर्वी दिल्ली में बदलाव आएगा। ये चुनाव अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस पार्टी का नहीं, जमुना पार के लोगों का चुनाव बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जमुना पार के लोगों को सीलिंग, सफाई या और मोड पब्लिक मोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, ये सबसे तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना है अपने एमपी की टिकट काट के कि उनके जो एमपी साहब थे वो अवेलेबल नहीं थे लोगों को। लेकिन हास्यप्रद यह है कि महेश गिरी लोगों से मिलते नहीं थे, गौतम गंभीर की से उम्मीद कर रहे हैं लोगों को मिलेंगे, तो इसलिए जमुना पार के लोगों को पहली मरतबा मौका मिला कि जमुना पार का प्रतिनिधि जो है चुनाव लड़ेंगे। तो अपने अपने जीत के सब दावे कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है उन मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन